नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। सोमवार की रात को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 164 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान संजू सैमसन ने धमाकेदार 82 रनों की पारी खेली। संजू सैमसन ने एक बार फिर से राजस्थान की टीम को खराब परिस्थितियों से उबारते हुए एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर के गए, मगर सैमसन की ये पारी भी पिछली कई पारियों की तरह व्यर्थ साबित रही, क्योंकि हैदराबाद के लिए जेसन रॉय ने ज़बरदस्त 60 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए जीत पक्की कर दी थी। इस मुकाबले में भले ही राजस्थान को फ़ायदा ना हुआ हो, मगर संजू सैमसन को इस पारी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कल इसी 82 रनों की पारी के साथ सैमसन 433 रनों के साथ ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं और शिखर धवन को पीछे कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि कल की पारी के बदौलत संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर के 3000 रन पूरे कर लिए हैं। संजू सैमसन 3000 रन पूरे करने वाले आईपीएल के 19वें खिलाड़ी हैं और इसी के साथ वो 5वें सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। संजू सैमसन को आईपीएल में अपने 3000 रन पूरे करने के लिए 113 पारियां लगी हैं। वहीं अगर इस कड़ी में बात करें तो सबसे पहला नाम केएल राहुल का आता है, जिन्होंने 80 पारियों में 3000 रन पूरा करने का कारनामा किया है, जिन्होंने इसी साल यूएई में राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वहीं सुरेश रैना 113 पारियां, अजिंक्य रहाणे 104 पारियों के साथ नंबर 3 पर हैं और रोहित शर्मा का नाम इस कड़ी में नंबर 5 पर आता है, जिन्होंने 3000 रन पूरे करने के लिए 109 पारियां ली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।